morning, student. We are first year. Pedagogy of social science. निरीक्षण विधि को अवलोकन विधि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्वेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका अर्थ समझ चुके हैं, यानी निरीक्षण विधि का अर्थ होता है निरीक्षण यानी देखना। निरीक्षण का क्या अर्थ होता है? देखना, अवलोकन करना। और इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। यह जो विधि है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालक किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति को देखकर उससे ज्ञान प्राप्त करता है। यह विधि देखना सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। देखना और देखकर सीखना, देखना और देखने के देखना और सीखना के सिद्धांत पर आधारित है ये निरीक्षण विधि, क्योंकि इसमें बालक जो है प्रत्यक्ष रूप से उस जगह पर जाकर निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है तथा उससे संबंधित ज्ञान को एकत्रित करता है और प्राप्त करता है। सामाजिक शिक्षण की यह विधि सभी स्तरों पर काम में लाई जा सकती है। जैसे इस विधि का प्रयोग विभिन्न प्रकार की बालकों को, जैसे संस्कृतियां दिखाने के लिए, विभिन्न प्रकार की देश की जो स्थिति है उसको दिखाने के लिए, खान पान दिखाने के लिए, वेशभूषा दिखाने के लिए, और सामुदायिक जो संसाधन है जैसे नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, अपने ग्राम सभा है, ये जो सामूहिक संसाधन है, स्कूल है, विद्यालय है, इन सबको दिखाने में भी ये जो अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि काम में आ जाती है। क्योंकि जब हम इनको जैसे स्कूल, अपने ग्राम पंचायत है, डाकघर है, अस्पताल है, इन सब में ले जाके जब हम निरीक्षण करवाते हैं, जब हम इनको प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करवाते हैं, तब बालक जो है इनकी जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली से अवगत होते हैं कि ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है, किस प्रकार से करती है, ग्राम सभा क्या करती है, नगर पालिका क्या करती है, इन सबको कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन विधि द्वारा या निरीक्षण विधि द्वारा वह देख पाते हैं। अवलोकन शिक्षण विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्यापक को जिस स्थान पर ले, मतलब बालकों को जिस स्थान पर ले जाता है या बालकों को निरीक्षण के लिए जिस स्थान पर ले जाए, उस जगह की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब चाहे ऐतिहासिक स्थल से ले लो, धार्मिक स्थल से ले लो, या फिर सार्वजनिक जो स्थल है उनसे संबंधित जानकारी ले लो, सामुदायिक संसाधन है उससे संबंधित जानकारी ले लो, उस अध्यापक को जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तो पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक वह बालकों को जो है प्रत्यक्ष ज्ञान और पूरा ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए इसके लिए अध्यापक को ये चाहिए कि वह जिस स्थान पर छात्रों को ले जा रहा है उसके लिए उसको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। अब जो है यह जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि का क्या लाभ है, इसके लाभ सबसे पहला है, इस ज्ञान द्वारा, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि बालक सुनकर उस ज्ञान को भूल जाता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई चीज को नहीं भूलता है, इसलिए उसका ज्ञान जो है स्थायी ज्ञान की उसको प्राप्ति होती है। उसके बाद है, यह क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन करती है। क्रिया
शीलता के सिद्धांत का पालन करती है, यानी इस विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा बालक जो है क्रियाशील रहते हैं। क्योंकि जब बालक किसी चीज को देखते हैं, किसी स्थान को देखते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसके प्रति क्रिया करते हैं, तो इसलिए ये क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन करती है। फिर है यह वास्तविक स्थिति का ज्ञान देती है, वास्तविक स्थिति, यानी निरीक्षण विधि जो है वह वास्तविक स्थिति का ज्ञान देती है कि वास्तव में यहाँ पर ऐसा ही है। उसके बाद है छात्रों में सीखने की जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहती है, यानी निरीक्षण विधि से सीखने की जो जिज्ञासा है भी चीज को सीखने की जिज्ञासा और उसके प्रति उसकी उत्सुकता बनी रहती है। फिर है इसके माध्यम से छात्रों की जो कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति, छात्रों की कल्पना शक्ति और तुलनात्मक शक्ति का विकास होता है। यानी इससे जब बालक प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो बालक जो है उनकी कल्पना शक्ति के माध्यम से दो चीजों में तुलना भी कर सकते हैं। तो यानी उससे जो तुलनात्मक शक्ति है उसमें वृद्धि होती है और विकास होता है। अब है अवलोकन विधि के दोष, तो इस प्रकार से निरीक्षण विधि द्वारा बालकों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करवाया जा सकता है, जिससे कि उनको दिया गया ज्ञान स्थायी रूप में रहता है। अब है इसके कुछ दोष। इसमें सबसे पहला जो इसका दोष है वह है इस विधि द्वारा सीखने में बहुत समय नष्ट हो जाता है। यानी बालकों को कहीं ले जाकर उनको निरीक्षण करवाना होता है, इसलिए इस विधि द्वारा बहुत समय नष्ट हो जाता है सीखने में। फिर है बालकों को कक्षा के बाहर ले जाकर दूर ले जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और कई बार ऐसा होता है कि धन उपलब्ध नहीं होने के कारण बालकों को निरीक्षण के लिए नहीं ले जा पाते हैं, इसलिए यह जो विधि है खर्चीली विधि है। जरूरी नहीं कि हर छात्र के छात्र छात्रा के पिता जो है बालकों को इसके लिए पैसा दे सके, इसलिए इस विधि के लिए धन की आवश्यकता होती है। फिर है तीसरा जो है बाहर जाकर छात्रों को अनुशासित रखना भी कठिनाई आती है, क्योंकि जब बच्चा बाहर जाता है यानी इसके माध्यम से छात्रों में जो है हम अनुशासन नहीं बना के रख सकते, उसमें कठिनाई आती है। फिर है अब ये जरूरी नहीं कि अभिभावकों की स्वीकृति भी इसके अंतर्गत आवश्यक होती है, क्योंकि जब बच्चे को बाहर ले जाते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, और कई बार ऐसा होता है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज के लिए तैयार नहीं रहते हैं, यानी इसके अंतर्गत अपने अभिभावकों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से यह जो निरीक्षण विधि है यह बालकों में प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ साथ कुछ इसमें हानि और दोष भी पाए जाते हैं। आज का गृह कार्य है
निरीक्षण विधि के गुण व दोष बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें बहुत सी भयंकर बीमारी कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, तथा इस महामारी को रोकने के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, साबुन से हाथों को बार बार धोते रहिए। इस प्रकार इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी को हरा सकते हैं, लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।